सत्ता में वापसी करने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में ही मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत सरकार ने शहीदों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है कि हमारी सरकार का पहला फैसला भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित है। राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत पीएम छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलाव स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें आतंकी या माओवादी हमलों में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए पढ़ाई गई छात्रवृत्ति शामिल है। नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाल लिया है, जिसके बाद मोदी सरकार का पहला फैसला शहीदों के परिवारों के नाम रहा। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा शहीद पुलिस वालों के बच्चों को भी मिलेगा। नेशनल डिफेंस फंड के तहत प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम में स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार ने चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए यह कदम उठाना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। पहली बैठक में केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके तहत सभी किसानों को 6000 रुपए सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आम चुनावों के अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का वादा किया था। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब 14.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ होगा। साथ ही इससे सरकारी खजाने पर 87000 करोड़ रुपए सालाना बोझ पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने पीएम किसान योजना का दायरा बढ़ाकर सभी किसानों को इसके अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में 75000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत सरकार ने 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले करीब 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को 6000 रुपए सालाना 3 किस्तों में देने की घोषणा की थी। शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद मोदी सरकार ने 17वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र का ऐलान कर दिया है। संसद का पहला सत्र 17 जून से शुरू होगा, जो 26 जुलाई तक चलेगा। 19 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। वहीं 20 जून से बजट सत्र की शुरुआत होगी और 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बजट सत्र को लेकर बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और 4 जुलाई को आर्थिक सर्वे को जारी किया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस का नेता चुनने के लिए आज पार्टी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में नेता चुनने के साथ ही किसी सांसद को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पद के लिए इनकार कर दिया है, जबकि सोनिया गांधी को नियुक्त किया गया है। इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर या मनीष तिवारी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। बैठक में सांसद के केंद्रीय कक्ष में होगी और जिसमें आगामी सत्र के लिए रणनीति पर भी चर्चा होगी। और कांग्रेस को इस चुनाव में कुल 52 सीटें हासिल हुई हैं, जिस वजह से सदन में उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी एक बार फिर नहीं मिलेगी। कांग्रेस के सामने इस बार नेता चुनने के समय एक बड़ी मुश्किल और आएगी कि उसके पास बहुत सारे विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राजकीय महाविद्यालय सतनाली में पिछले कई सालों से चली आ रही बीएससी मेडिकल विषय की मांग को पूरा कर दिया है, जिससे सतनाली और आसपास के गांवों के छात्र छात्राओं को दूरदराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। मनोहर लाल खट्टर की इस घोषणा से क्षेत्र के छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। छात्र छात्राओं ने खुशी का इजहार कॉलेज प्रांगण में लड्डू बांटकर किया। कॉलेज प्राचार्य सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक अवसर दिया है। जीन हांसी रोड पर एक बुजुर्ग को बुलेट मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिसके कारण बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई।
मोटरसाइकिल सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नानौत के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। गांव से उसे हिसार रेफर कर दिया गया। युवक के साथ एक 5 साल का बच्चा भी था जो सुरक्षित है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए हांसी के सामान्य अस्पताल भेज दिया है।